कानपुर प्रखंड के जनता जिंदाबाद, दीपक सिंह जिंदाबाद, मुन्ना यादव जिंदाबाद, मिनहाज खान जिंदाबाद, संजय कुमार अकेला जिंदाबाद, मुन्ना यादव जिंदाबाद। आप देख रहे हैं शेरघाटी आजकल और मैं हूं इमरान अली। आज यहां पे शेरघाटी अनुमंडल मुख्यालय में शेरघाटी अनुमंडल के मोहनपुर प्रखंड के प्रखंड प्रमुख का चुनाव संपन्न हुआ और आज यहां पर मोहनपुर से दीपक कुमार सिंह प्रखंड प्रमुख चुने गए और मुन्ना यादव उप प्रमुख चुने गए। देखिए पूरी रिपोर्ट। शेरघाटी अनुमंडल कार्यालय में मोहनपुर प्रखंड के पंचायत समिति सदस्यों का शपथ ग्रहण हुआ और प्रखंड प्रमुख एवं उप प्रमुख का चुनाव भी कराया गया। शेरघाटी के अनुमंडल पदाधिकारी सह निर्वाची पदाधिकारी अनिल कुमार रमन ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई, साथ ही शराबबंदी कानून को पूर्ण रूप से लागू करने में अपना पूरा योगदान देने और शराब का कभी भी सेवन न करने की भी शपथ दिलाई गई। SDO अनिल कुमार रमन ने बताया कि मोहनपुर के प्रखंड प्रमुख के चुनाव में दो उम्मीदवार मैदान में थे। दीपक कुमार सिंह के मुकाबले में विजय प्रजापत प्रखंड प्रमुख का नामांकन पर्चा भरा था। कुल 24 मतों में विजय प्रजापत को 10 मत प्राप्त हुआ और इस प्रकार दीपक कुमार सिंह 13 मत पाकर प्रखंड प्रमुख का पद हासिल करने में सफल रहे। दूसरी ओर मोहनपुर के उप प्रखंड प्रमुख के चुनाव में पंकज कुमार सिंह को 11 वोट मिले, वहीं कड़े मुकाबले में 13 वोट हासिल कर मुन्ना यादव उप प्रमुख निर्वाचित हुए। शेरघाटी अनुमंडल कार्यालय के समीप पंचायत समिति सदस्य के पति, मुखिया एवं मोहनपुर के पंचायत प्रतिनिधि एवं नव निर्वाचित प्रखंड प्रमुख एवं उप प्रमुख के समर्थकों ने एक दूसरे को माला पहनाकर स्वागत किया। मौके पर प्रदीप कुमार चंद्रवंशी, दीपक कुमार सिंह, मिनहाज खान, मुन्ना यादव, रामाकांत पासवान, राजकुमार चौधरी, पंकज कुमार गुप्ता, रामाशीष चौधरी, गायत्री देवी, कैलू मांझी, सुखदेव यादव, इंदु देवी, विजय प्रजापत, शोभा देवी, डॉक्टर कृष्णा कुमार चंचल, सिराज अंसारी, कमलेश कुमार सिंह, बसंत कुमार, संजय कुमार अकेला, अजय कुमार सिंह, विजय यादव, विजय कुमार चंद्रवंशी, राकेश कुमार संतोषी आदि सैकड़ों लोगों ने मोहनपुर के नव निर्वाचित प्रखंड प्रमुख और उप प्रमुख को का स्वागत किया और उन्हें बधाई दी। समर्थन मतलब सहयोग मिला मेरा, जितने भी मेरे समर्थक थे और बहुत विश्वास मतलब बनाकर हमको समर्थन किए और हम बहुत गर्व महसूस करते हैं कि हमारे जो भी सहयोगी हैं मोहनपुर प्रखंड से, जैसे में मुखिया जी कमलेश जी, हमारे मिनहाज भैया, ये सब गार्जियन समान है, सुनील भैया और जो भी मतलब संजय पूर्व प्रमुख, संजय कुमार अकेला, ये सब हमारे सब मतलब मिलकर सहयोग किए हैं। मतलब मोहनपुर जो है अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है, बहुत सुदूरवर्ती क्षेत्र है, तो कैसे उसका विकास करेंगे आप? वो विकास हो नहीं रहा जिस रूप में होना चाहिए। जहाँ जहाँ विकास की कमी है वहाँ पर हम अपने स्तर से जो भी बने, हम अपना जितना भी सक्षम हो हम इस पर आवाज़ उठाएंगे और सरकार से हम विनती करेंगे हमारा जो क्षेत्र पिछड़ा हुआ है उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा तक विकास के कगार पर पहुंचाने का कोशिश किया जाए। अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं को वो नक्सली गतिविधि में ना जाकर वो शिक्षा के क्षेत्र में आए, मुख्य धारा में आए, क्या प्रयास रहेगा आपका? उस पर विशेष कड़ी व्यवस्था कराने के हम सरकार के प्रशासन द्वारा और सरकार द्वारा हम एक आवाज़ उठाएंगे उस पर भी कि शिक्षा में जहाँ जहाँ मतलब जो कमियाँ पाई जा रही है उस पर निगरानी करने का कोशिश किया जाए। हम अपने स्तर से भी उस पर निगरानी करेंगे और विशेष करके शिक्षा में अच्छा खासा सुधार लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आइए उप प्रमुख साहब। सबसे पहले कड़े मुकाबले में आप जीते हैं, चलिए ठीक है, आप खुशी की बात है। सबसे पहले आप लोग का धन्यवाद देते हैं और यहाँ उपस्थित जितने गार्जियन तुल आदमी हैं सभी को धन्यवाद देते हैं और मेरा सहयोगी जो पंचायत समिति सदस्य जो एकता बना करके मेरे जिताने का प्रयास किए हैं उसको बधाई प्रकट करते हैं। और खुशी की बात है कि आप लोग यहाँ आए हैं और हम उप प्रमुख रह चुके हैं मोहनपुर का, मेरे कार्यकाल का देख चुके जनता, फिर हमारा द्वारा जीत के क्षेत्र का जनता भेजें, फिर विकास की ओर देखें, उसके बाद प्रखंड के स्तर पर जो मैंने काम किया सुचारू रूप से उसको पहल करते हुए भी मेरे प्रखंड का जनप्रतिनिधियों ने
फिर दोबारा मौका दिया है और इस मौका पर खड़े उतरेंगे और आगे विकास की ओर काम करेंगे। और जो भी मेरा से कर्तव्य का पालन करना पड़ेगा, जहाँ जाना पड़ेगा, आप अभी थोड़ा देरी पहले पूछें कि शिक्षा पर, शिक्षा की व्यवस्था के लिए भी हम लोग मोहनपुर में इस पर पहल करेंगे। क्षेत्र की काम है, विधायिका की द्वारा जो है सरकार, विधायिका चेंज हुई है, विधायिका मेरी ज्योति मांझी बनी है, उन लोग से भी हम लोग बिहार में जो बात उठाने की सहयोग है उनका भी हम धन्यवाद देते हैं और हम लोग बात बढ़ावेंगे। वो आ गए विधानसभा में बात रखेंगे। क्या बड़ी समस्या है आपकी? समस्या सबसे बड़ी है रोड का समस्या के लिए हम लोग भी विधायिका जी से मिले हैं, जब जीते थे तो अभी भी मिलेंगे, और जो विधानसभा में अपना आवाज़ उठाने के काम किए हैं भी और करेंगे भी। और कोई सवाल करेंगे? मैं मुन्ना यादव, उप प्रमुख मोहनपुर, अभी निर्वाचित। आप भी बोल दीजिए। जी बोल रहे हैं। हाँ, क्या क्या महसूस कर रहे हैं कि जो जोड़ी जीती है सर, ये तालमेल बना के काम करेंगे सब लोग? ये दोनों लोग पूर्व में भी पंचायत समिति के सदस्य रह चुके हैं और हम लोगों की भरपूर कोशिश इस बात की थी कि निर्विरोध ढंग से हम लोगों के यहाँ प्रमुख उपप्रमुख का चुनाव हो, लेकिन चलिए अब हम लोग चुनाव में गए और ये खुशी की बात है कि दीपक चंद्रवंशी जी एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं, मुन्ना जी पूर्व में उपप्रमुख रह चुके हैं, इनका भी अपना अनुभव है और हम समझते हैं कि इस अनुभव का लाभ पूरे मोहनपुर की जनता को निश्चित रूप में मिलेगा। ठीक है जी। कमलेश बाबू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो ये चुनाव संपन्न हुआ और दीपक कुमार सिंह जो प्रमुख बने और मुन्ना यादव जी उपप्रमुख बने, ये दोनों काफ़ी ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं और इन लोगों का सहयोग हमेशा मोहनपुर प्रखंड में रहेगा, ये हम मानते हैं और हम ये भगवान से कामना करते हैं कि दोनों आदमी अच्छा समन्वय बना करके और प्रखंड का विकास करें। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये मोहनपुर प्रखंड के लोग, उनके समर्थक जश्न मना रहे हैं। आज वर्ष का अंतिम दिन है, यानी 31 दिसंबर। कहते हैं अंत भला तो सब भला। जो लोग आज निर्वाचित हो गए हैं, जिनकी जीत हो गई है, उनके लिए आने वाला वर्ष शानदार हो रहा है और जाने वाला वर्ष यादगार। कैमरा पर्सन शाहिद अंसारी के साथ इमरान अली, शेरघाटी आजकल।